नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मूल निवासी .org पे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं कि आप जो है एकदम परेशान हो जाएंगे। एक हमारा मित्र है रामू, तो रामू जो है आज बहुत ही परेशान और गुमसुम उदास बैठा था। दरअसल बात ये थी कि उसकी गाड़ी में जो है पेट्रोलवा ख़त्म हो गया है। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वहाँ पे हम जो है पहुँच जाते हैं। वो बड़ा उदास बैठा था, हमने कहा क्या हुआ रामू भैया? तो रामू भैया बोले लगे, भैया कहा बताइए, हालत बहुत ख़राब है। एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम 100 रुपये डलाए थे, सोचे थे चल जाएगी। पहले 100 रुपये में चलती थी 100 किलोमीटर, अब 100 रुपये में चल रही है 60 किलोमीटर। तो हम अपना आंकड़ा लगा के चले थे कि भैया हम जो है बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन साला पेट्रोल होएगा ख़त्म तो हम जो है यहीं फंस गए। तो हमने कहा तो इमा का किया जाए, बताओ पेट्रोल हमसे लोड चलाओ। तो बोला भैया पैसे की बात नहीं, हम सोच रहे हैं महंगाई में कैसे काम चलिए। तो अब मैटर यहाँ पे फंस गया। हमने कहा यार महंगाई से तुम्हारा का लेना देना, अपना रोजगार करो, काम करो, पेट्रोल डलाओ। तो भैया हमरे ऊपर भड़क गया, बोला कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इसके पीछे मोदी का हाथ है। हमने कहा नहीं यार, मोदी का हाथ थोड़ी ना है, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में इराक से आता है, तो जब इराक का मार्केट अप डाउन होता है तो यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो भैया वो हमरे ऊपर भड़क गया, बोला कि अंधभक्त हो का तुम, भक्त अंधभक्त, मोदी की भक्ति बंद करना बंद करो। हमने कहा यार ऐसा क्या होगा? तो वो हमसे बोला भैया 2013 में जब 5 रुपये जो है पेट्रोल पर बढ़ा रहा है, 80 रुपये बढ़ा रहा है, तो ये मोदी जो है रो रहा है। तो हमने कहा हमें क्या पता भैया? बोला अच्छा लो यू वीडियो देख लो। तो हम वीडियो देखे ना, आपको देख लो वीडियो। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, ये गरीबी का हाल कर दिया। तो हम कहने यार तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यार तुम इतना पुराना बात याद रखे हो अभी तक? कहे भैया यही नहीं, हम आपको बता दी कि अंधभक्ति की तुम जो मोदी भक्त बने हो, वो हमको बोला मोदी भक्त। हमने कहा यार तुम क्या बात कर रहे हो, हम तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो आधार कार्ड लेके आए। अरे यार भैया फिर तुम आधार कार्ड की बात कर दियो यार, आधार कार्ड की बात करो तो हम तुमका बता दी। भैया रामू हमसे बोला, रामू बोला कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं आधार कार्ड हम नहीं लागू होने देंगे, और आधार कार्ड का विरोध कर रहे हैं, और तुम कहियो सबूत दिखाओ, तो हमारे पास सबूत है, लो देखो वीडियो। तो हम के लाओ दिखाओ भैया, तो हम वो वीडियो देखें, आपो देख लो। और मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे, मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजरात हमारा सीमावर्ती राज्य है, आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा, आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। तो भैया हम उनका फिर जो है अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर दिया। हम कह लो भैया पेट्रोल डला लो, फिर आगे चलो चाय पिया जाए। अब वह चाय पिए पहुंचे तो वो चाय वाला बोला भैया गैस खत्म है और चाय ना मिल पाई। तो रामू भैया फिर बोल रहा गा कही देखो भैया हम कह रहे हैं गैस का दाम बहुत बढ़ गए। हम कहाँ बढ़ गया यार, सरकार फ्री गैस बांट रही है, तुम कह रहे हो कि गैस का दाम बढ़ गया। रामू फिर बौरा गवा हमरे ऊपर कहे यार तुम बहुत बड़े अंधभक्त हो, हम तुमका इतनी बार समझा रहे नीरज भाई, तुमका समझ में नहीं आ रहा है। सरकार हमको इस समय 950 के ऊपर सिलेंडर दे रही है, फ्री बांट रही तो हम का करें। और हम आपको बता दिए जो स्मृति ईरानी है, जब सिलेंडर का दाम 5 रुपये बढ़ा था तो ये सिलेंडर सर पे लेके घूम रही थी। हमने कहा नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो रामू यार। तो रामू बोला फिर यार तुम्हारी अंधभक्ति की तो यार हद हो गई, अब तुम ये वीडियो देख लो। तो हम देखें फिर आपो देख लो वीडियो। को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। यो देखा तो भैया हमरे तो कान खड़े हुई है, यू रमुआ यार बहुत हरामी है, छोटी छोटी बातें याद रखे भैया। और हमका लगा था यू जो है अंधभक्तन के कान खोल दी। जब हम रामू के वीडियो देखें तो हमार कान खुली गए। अब आप यू बताओ कि आप ये सब वीडियो देखे रहो कि नहीं देखे रहो। हम तो भैया का करी, रोज कमाए खाए वाले आदमी हैं और महंगाई तो बढ़ी जा रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों का लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही तो कमेंट करके बताइए। और रामू के विचार अगर आपके अंधभक्तों के थोड़ा आँख खोले हों हमरे जैसे तो वो भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि रामू जो बोला है भाई, जो हमको दिखाया है सबूत के साथ दिखाया है, रामू ने तो हमारी आँखें खोल दी। हम सोच रहे थे कुछ और हो रहा था कुछ और आगे रामू हमसे बहुत बड़ी बड़ी बात बोला। बोला भैया हमने कहा यार मोदी जी ने जो है बड़े बड़ी यात्राएं की, विदेश घूमा और आज तक विदेश घूमने वाला सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। तो रामू हमरे ऊपर यही बात पर गुस्सा हुआ, कहे भैया मंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्री बनाया सुषमा स्वराज को और उसको विदेश जाने ही नहीं दिया और विदेश अपना जाते रहे। हम कह रामू यू का बोल लो। कह रहा भैया उठा के देख लो, रामू वीडियो तो दिखा नहीं पा हुआ लेकिन बात तो कहीं हद तक का वो सच बोला। और बोला भैया अब आप बात कर रहे हो मंत्रालय की, मोदी जी की बड़ाई कर रहे हो, तो हम आपको बता दी कि रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास और राफेल की डील कर रहे हैं मोदी जी। हम कह रामू यार तुम यू का बोल रहे हो। कह रहा यार तुम्हारी अंधभक्ति दिख रही साफ साफ, तुम्हें खाली भक्त हो, मोदी भक्त हो और मोदी भक्त को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है एक रक्षा मंत्रालय, एक प्रधान मंत्रालय जो प्रधानमंत्री होता है वो डील कर रहा है राफेल के और रक्षा मंत्रालय जो राजनाथ सिंह है उनकी गरिमा मिट रही है। तो हम कहें यार रामू ये सब बातें तुम कहाँ से निकालो। तो कहे भैया हम बहुत कुछ जाने थे लेकिन बोल इतना ही खाली। और रामू हमसे फिर बताए लगा कि यार इससे ज़्यादा हमारे पास सबूत रखे, कहो तो दिखाई। हम कह रामू यार तुमने तो मेरी आँखें खोल दी, हम धन हुए। हम सोचित रहे कि तुम यार बहुत मतलब वही हमका लागत रहा तुम अपनी खाली पेट पाले में और 5 किलो अनाज ले में मस्त हो, तुम तो अपने दिल में बहुत बड़ा बोझ लेके चल रहे हो। कहे भैया 5 किलो अनाज तो हम ले रहे हैं, साथ में जो है जो हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा है नोटबंदी में कोरोना काल में, तो हम वो सब नहीं भूलेंगे और वो सब हम अपने बात दिल में रखे हैं। हम कह रामू यार तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो हम यही करते रहते। और भैया अगर रामू ने अगर आपकी भी आँख खोली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।